हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंदर आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कद्दू की खीर की रेसिपी। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से कद्दू की खीर को घर पे बना पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कद्दू की खीर बनाने के लिए सबसे पहले आधा किलो पका हुआ कद्दू लेंगे। अब इसकी स्किन और बीज वाला हिस्सा निकाल देंगे और धो लेंगे। फिर इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। अब ड्राई फ्रूट्स लेंगे, आप अपनी पसंद के ले सकते हैं। इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें आधा चम्मच घी डालेंगे और अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स को लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इस प्रकार ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, इसे एक साइड में रख लेंगे। अब प्रेशर कुकर में कद्दू के कटे हुए टुकड़े डालेंगे। और आधा कप पानी डालेंगे और ढक्कन लगाकर 4 से 5 सीटी आने तक का वेट करेंगे। कद्दू पक चुका है, अब इसे पानी से बाहर निकाल देंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसे एक चम्मच की सहायता से मैश कर लेंगे। इसे आप मैशर की सहायता से भी मैश कर सकते हैं, ये बड़ी आसानी से मैश हो जाता है। अब आधा किलो दूध लेंगे, दूध को उबाल लेंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अब दूध को एक साइड में रख लेंगे और एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। घी के गर्म हो जाने पर इसमें मैश किया हुआ कद्दू डालेंगे। और अच्छे से भून लेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर सूख न जाए। मॉइस्चर के सूख जाने के बाद 2-3 मिनट और पका लेंगे। व्रत के दिनों में भी आप इस कद्दू की खीर को बनाकर खा सकते हैं। फिर इसमें दूध डालना शुरू करेंगे। पहले आधा दूध डालकर मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें बाकी का बचा हुआ दूध डाल देंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब इसे उबलने देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पर दूध के गाढ़ा होने तक खीर को पका लेंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधी कटोरी चीनी डालेंगे
और मिला लेंगे। आप इसमें चीनी कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब दूध के गाढ़ा होने तक खीर को अच्छे से पका लेंगे। कद्दू की खीर को आप गर्म या ठंडा जैसे चाहे परोस सकते हैं। ये बहुत पौष्टिक होती है और ये बनाने में भी बहुत आसान है। ये आसानी से घर पे बनाई जा सकती है। तो 10 मिनट बाद खीर बनकर तैयार है। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इसे ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश करेंगे। तो लीजिए, आप लंच के या डिनर के भोजन के बाद इस खीर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस हेल्दी और डिलीशियस रेसिपी को एक बार घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए।